करते हैं खबरों की तरफ। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को जयपुर पहुंचे हैं, जहां इस दौरान जयपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने, आपको बताते चले कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भावभरी अगवानी की है और राज्यपाल ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उपराष्ट्रपति का अभिनंदन किया है। एटर्नल हॉस्पिटल की ओर से सिनाई हॉस्पिटल और साथ ही न्यूयॉर्क के सहयोग से आयोजित हार्ट कॉन्क्लेव 2024 को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने संबोधित किया है और इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि चिकित्सक व्यवसाय नहीं सबसे पवित्र सेवा कार्य है। चिकित्सक को चाहिए कि वो कम से कम दवा और सस्ता सुलभ इलाज करते हुए अपने रोगियों को ठीक करने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने हृदय रोग से बचाव और उपचार के लिए जागरूकता का प्रसार किए जाने पर भी जोर दिया है। वहीं राज्यपाल ने कहा कि हृदय रोग इस समय सबसे बड़े रोग के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। हर उम्र के लोगों को ये हो रहा है और इससे बचाव के साथ इसके होने पर जो है वो जीवन रक्षा के लिए निरंतर कार्य किया जाए। इसी के साथ राज्यपाल ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट की चर्चा करते हुए कहा कि दुनिया भर में हृदय रोग से संबंधित 17.9 मिलियन मौतों में से कम पांचवा हिस्सा भारत का है। उन्होंने कहा कि हृदय रोगों से होने वाली मौतों में युवा जो है वो उम्र के लोगों की संख्या बहुत अधिक है और ये चिंताजनक भी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने अपने जर्मनी यात्रा के दूसरे दिन ट्रैवल टेक कंपनी फ्लिक्स बस के म्यूनिक स्थित, आपको बताते चले कि मुख्यालय का दौरा किया और इसके आला अधिकारियों से बातचीत भी की है। फ्लिक्स बस कंपनी के सह संस्थापक और सीईओ आंद्रे श्रमलेन और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैक्स ज्यूमर के साथ में हुई इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच में राजस्थान में निवेश करने और राज्य के अंदर कंपनी के परिचालन के विस्तार हेतु एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। और साथ ही आपको बताते चले कि फ्लिक्स बस परिवहन क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी है और इसका राजस्थान में पहले से कारोबार है। इस कंपनी के साथ हुए साझेदारी का उद्देश्य राज्य में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाना, परिवहन सेवाओं में सुधार करना, राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देना ताकि रोजगार के नए अवसरों का निर्माण हो सके। आपको बताते चले कि जर्मनी दौरे पर उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी यहां पर मौजूद रहा, साथ ही फ्लिक्स बस के मुख्यालय का यहां पर दौरा किया गया, आला अधिकारियों से बातचीत की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने अपनी जर्मनी यात्रा के तीसरे दिन ट्रैवल टेक कंपनी फ्लिक्स बस के म्यूनिक स्थित मुख्यालय का दौरा किया है। आपको बताते चलें कि उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने अपनी जर्मनी यात्रा के तीसरे दिन ट्रैवल टेक कंपनी फ्लिक्स बस के म्यूनिक स्थित मुख्यालय का दौरा किया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत ब्रिटेन के निवेशकों तक पहुंचने के प्रयास को जारी रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों ने कई ब्रिटिश कंपनियों के साथ में बैठकें की हैं और शाम लंदन में, आपको बताते चले कि आयोजित राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर रोड शो में भाग लिया है। इसके अलावा राज्य में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम के मालिक रॉयल मल्टी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के साथ मुलाकात की गई। इस दौरान रॉयल मल्टी स्पोर्ट्स और राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच में जयपुर शहर को एक स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने के लिए एक एमओयू भी साइन किया गया और जिसके तहत में इसमें स्टेडियम, खेल प्रशिक्षण केंद्र और खेल चिकित्सक और अन्य खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के अलावा राजस्थान रॉयल्स के मालिक मनोज बाटले और पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेट खिलाड़ी और राजस्थान रॉयल्स के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट कुमार संगारा भी मौजूद रहे हैं। जयपुर एसीबी टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के ग्रुप जनरल मैनेजर छत्रपाल सिंह पर छापेमारी की गई है। छत्रपाल सिंह के जयपुर, दिल्ली और गाजियाबाद के ठिकानों पर सर्च चल रही है। दिल्ली और गाजियाबाद स्थित घर पर पोर्श डिफेंडर जैसी लग्जरी कारें जो हैं वो मिली हैं। एसीबी डीजी रवि
प्रकाश मेहराणा ने बताया कि एसीबी को शिकायत मिली है कि राजकॉम के ग्रुप जनरल मैनेजर छत्रपाल सिंह ने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर धन अर्जित किया है। इस पर शिकायत का सत्यापन कराया गया। सत्यापन में शिकायत की पुष्टि होने पर कोर्ट से आदेश लेकर सर्च शुरू किया गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि जयपुर से हैं, जहां पर आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। राजकॉम ग्रुप जनरल मैनेजर के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई, जहां पर एसीबी की टीम ने ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है और पोर्श डिफेंडर जैसी लग्जरी कारें भी यहां पर बरामद हुई हैं। जयपुर एसीबी टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के ग्रुप जनरल मैनेजर छत्रपाल सिंह पर छापेमारी हुई। छत्रपाल सिंह के जयपुर, दिल्ली और गाजियाबाद के ठिकानों पर सर्च भी चल रहा है और दिल्ली और गाजियाबाद स्थित घर पर पोर्श और साथ ही डिफेंडर जैसी लग्जरी कारें बरामद हुई हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को अजमेर जिले के वार्ड संख्या 69 और 76 में, आपको बताते चले कि 1.5 करोड़ लागत का सड़क और नाला निर्माण का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में देवनानी ने कहा कि पिछले एक साल में शहर को सुनियोजित तरीके से विकसित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अजमेर में मूलभूत आवश्यकताओं को मजबूत करने का काम भी किया जा रहा है। सड़क, पानी, शिक्षा और पर्यटन के साथ ही अन्य विविध क्षेत्रों में सशक्तिकरण हो रहा है और साथ ही दीपावली से पूर्व शहर की अधिकांश सड़कें जो हैं वो सुधार ली जाएंगी। साथ ही देवनानी ने कहा कि अजमेर उत्तर क्षेत्र के अंतिम सिरे पर होने के कारण पेयजल आपूर्ति की समस्या रही है और अब इसे टेल एंड से फ्रंट एंड तक के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। यहां 3 रिजॉर्वर बनाने के लिए 270 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है, भूमि आवंटन भी किया गया है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। विधानसभा उपचुनाव में देवली उनियारा सीट से विजय बैसला को बीजेपी से टिकट देने की मांग को लेकर दौसा गुर्जर समाज के लोगों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को पत्र लिखा है और गुर्जर समाज के लोगों ने कहा कि समाज के सभी संगठनों का कहना है कि विजय बैसला पहले आसिन से टिकट मांग रहे थे। पार्टी के पूर्वी राजस्थान में गुर्जर समाज के वोट लेने के लिए भी देवली उनियारा से चुनाव मैदान में उतारा था, वहां जो राजनीतिक साजिश के कारण चुनाव हार गए थे। उसके बाद से वो लगातार पिछले एक साल से देवली उनियारा की जनता की सेवा कर रहे हैं और अब उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अगर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजय बैसला का टिकट काटती है तो वो विजय बैसला की राजनीतिक हत्या होगी और गुर्जर समाज का अपमान होगा, जिसका प्रभाव आगामी उपचुनाव की सभी सीटों पर पड़ेगा। इसको लेकर दौसा गुर्जर समाज के लोगों ने बैसला को उम्मीदवार बनाने की मांग की है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति जिलाध्यक्ष करौली, हम बीजेपी के जो आला कमान है उनसे मिले, प्रदेश अध्यक्ष साहब से है और उनसे निवेदन किया है कि देवली उनियारा का जो टिकट है विजय बैसला जी को दिया जाए, क्योंकि पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें वो आसन से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन पार्टी ने उनको देवली उनियारा से जो टिकट दे दिया था और उसका बीजेपी को भरपूर फायदा मिला। गुर्जर समाज ने एक मत होके और 80% वोटिंग बीजेपी के खाते में गई, बीजेपी को वोट दिया और उससे बीजेपी की सरकार बन गई। अब आज अगर उस टिकट को विजय बैसला जी को नहीं देकर अन्यंत्र किसी और को दिया जाता है तो गुर्जर समाज में इस चीज़ का, गुर्जर समाज की तरफ से इस चीज़ का मतलब विरोध किया जाएगा और बीजेपी को उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। 7 सीटों पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा, तो इसे मतलब क्या आला कमान से हमारा निवेदन है, इसलिए विजय बैसला जी को टिकट। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर समिट को लेकर निवेशकों और उद्योगपतियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। राइजिंग राजस्थान समिट से पहले 8 नवंबर 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जयपुर, जयपुर ग्रामीण और दूदू जिले की जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जाएगा। मीट के सफल आयोजन के लिए संपूर्ण जिले के उद्यमियों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार मुंड की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। औद्योगिक क्षेत्र विश्वकर्मा स्थित विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन में औद्योगिक क्षेत्र विश्वकर्मा और झोटवाड़ा, जैतपुरा,
कालाढेरा मंडा और साथ ही अकेड़ा डूंगर के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ जयपुर में निवेश के संबंध में चर्चा की गई है। रिको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में इकाइयां स्थापित करने के रुझान के साथ ही उद्यमियों की ओर से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और रिको के अधिकारियों की उपस्थिति में लगभग 638 करोड़ का निवेश किए जाने के MOU हस्ताक्षरित किए गए, जिनके द्वारा 2 साल के अंदर इकाई स्थापित कर लगभग 5,000 व्यक्तियों को रोजगार देना प्रस्तावित किया गया है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी भारतीय नव जागरण के पुरोधा महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष में ऋषि उद्यान में आयोजित ऋषि मेले के उद्घाटन सत्र में कहा कि वेद ज्ञान से ही मानव की सर्वगीण उन्नति संभव है। मानव मात्र का परम हितकारी अंधविश्वास, कुप्रथा मुक्त वेद ज्ञान और वैदिक संस्कृति का विस्तार संपूर्ण विश्व में हो, यही महर्षि दयानंद की इच्छा थी। उद्घाटन सत्र में सामाजिक जागरण में महर्षि दयानंद का योगदान विषय पर बोलते हुए गुजरात के राज्यपाल ने कहा कि देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने में महर्षि दयानंद के वैदिक विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महर्षि दयानंद के विचारों से प्रभावित होकर हजारों लोगों ने अपना घर बार छोड़कर देश स्वतंत्र कराने में योगदान दिया है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य के मौजूदा हालात को लेकर भजनलाल सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि प्रदेश में जंगल राज की स्थिति है, बावजूद इसके प्रदेश की मुखिया विदेश दौरे पर व्यस्त हैं, उन्हें प्रदेशवासियों की कोई चिंता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सरकार के राज्य में महिलाओं और बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म और दलित उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद प्रदेश के मुखिया और इनके मंत्री ऐसे मुद्दों पर एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है, बल्कि शिक्षा मंत्री महिला अध्यापिकाओं को लेकर ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माफिया राज का बोलबाला है, भू माफिया, बजरी माफिया, खनन माफिया बेखौफ है, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा है। राजस्थान में पेपर लीक की जांच कर रही SOG मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विदेश दौरे से लौटने से पहले एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और पेपर लीक प्रकरण को लेकर प्रदेश भर में 20 से ज्यादा ठिकानों पर SOG की छापेमारी जारी है। माना यह भी जा रहा है कि SOG की टीम शाम तक बड़ा खुलासा कर सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 13 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ब्रिटेन और जर्मनी दौरे पर हैं और उनके आने से पहले ADG VK सिंह पेपर लीक को लेकर खुलासा कर सकते हैं। SOG की टीम आज सुबह 5 बजे नागौर जिले के खजवाना पहुंची, 10 गाड़ियों में सवार होकर आए 60 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। टीमों ने कई घरों में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान SOG ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें से 2 युवक और 2 परिजन बताए जा रहे। हिरासत में लिए गए 4 लोगों से कुचेरा थाने में पूछताछ जारी है। माना यह भी जा रहा कि ये लोग SI पेपर लीक और EO भर्ती परीक्षा के धांधली में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश में बीते 5 अक्टूबर से संचालित सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े में अब तक प्रदेश के पुलिस थानों में जुड़ी सुरक्षा सखियों के माध्यम से घर घर कैंपेन चलाते हुए 2,17,000 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ADG मालिनी अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय महिला सुरक्षा के विषय को लेकर गंभीर और संवेदनशील है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीते दिनों समीक्षा बैठक में प्रदेश में गांव-गांव और घर घर तक विशेष जागरूकता अभियान संचालित करने के निर्देश प्रदान किए हैं। इसी के तहत प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं में स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह अभियान सभी जिलों में चलाया जा रहा है। देश के विराट लोक सांस्कृतिक स्वरूप को साकार करने वाले 27वें लोक रंग महोत्सव का शुक्रवार को आगाज हुआ है। मुख्य अतिथि पर्यटन, कला, साहित्य और संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के शासन सचिव रवि जैन और विशिष्ट अतिथि ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण की प्रबंध निदेशक डॉ. मनीषा अरोड़ा की उपस्थिति में लोक रंग का झंडा कराकर उद्घाटन किया गया। सहनाई, नगाड़ा, कठपुतली और नटकला की प्रस्तुति के साथ में उद्घाटन की बेला का नजारा देखते ही बना। इस दौरान केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक अलका मीणा, अन्य पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कलाकार और साथ ही दस्तकार मौजूद रहे हैं। लोक रंग महोत्सव 28 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसमें प्रातः 11 से 10 बजे तक का शिल्प
ग्राम में हस्तशिल्प मेला लगेगा। यहां मुख्य मंच पर शाम 5 से शाम 6:30 बजे तक लोक कला प्रस्तुति होगी और वहीं रात 8:30 से रात्रि 10 बजे तक लोक गायन होगा और शाम 4 से 6 बजे तक रंग चौपाल पर लोक नाटकों की प्रस्तुति होगी। साथ ही मध्यवर्ती में भी शाम 7 बजे से कई राज्यों के कलाकार लोक गायन वादन और नृत्य के साथ लोक संस्कृति की छटा बिखेरेंगे। अपने प्रदेश के अपने अपने शहरों के जो उनके ट्रेडिशनल डांसेस हैं उनको परफॉर्म करेंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ शिल्प ग्राम में बहुत बड़ी हस्तशिल्प प्रदर्शनी भी लगी है जिसमें करीब 170 से ज़्यादा स्टॉल्स हैं और 250 से ज़्यादा आर्टिजन्स यहाँ पर आए हुए हैं। हमने सभी स्टॉल्स का भी भ्रमण किया है। आने वाले 11 दिन यहाँ पर सभी जो जयपुर की जनता है, बाहर की भी जो जनता आएगी, यहाँ पर नृत्यों का आनंद ले पाएगी। पूरे जो हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगी है उसमें जो भी उत्पाद हैं उनको वो खरीद सकेंगे, देख सकेंगे। तो एक बहुत बड़ा आयोजन है पर्यटन विभाग की तरफ से, और मैं आशा करता हूँ और आपके माध्यम से अपील भी करता हूँ सभी लोगों से कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें और इस आयोजन का आनंद लें। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर ने आज शाम से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। जयपुर रेजिडेंट डॉक्टर की एसोसिएशन के अध्यक्ष और कुछ पदाधिकारियों ने मीडिया से बात करने के बाद में सरकार और प्रशासन को आज शाम तक का समय भी दिया है। साथ ही आपको बताते चले कि शाम तक अगर उनकी मांगों पर सरकार कोई सकारात्मक विचार नहीं करती है तो रात 8 बजे के बाद रेजिडेंट डॉक्टर पूरा काम बंद कर देंगे। जार्ड अध्यक्ष डॉक्टर मनोहर सियोल ने कहा कि सरकार से 2 दिन पहले ही वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला था, जिसके बाद में हमने 48 घंटे का समय दिया था। आज शाम 8 बजे तक वह समय भी पूरा हो जाएगा। सरकार ने हमें मीटिंग के लिए बुलवाया है और भेजने का आश्वासन दिया था, लेकिन कल बैठक के लिए नहीं बुलाया। वहीं डॉक्टर सियोल ने बताया कि अगर सरकार आज शाम तक कोई निर्णय नहीं करती है तो रात 8 बजे के बाद में इमरजेंसी के साथ अन्य सेवाओं में रेजिडेंट काम करना बंद कर देंगे। तो वहीं शहर के अभिनव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार विद्यार्थियों के लिए अद्भुत और रोमांचक रहा है। यहां पर विद्यार्थियों ने अंतरिक्ष की सैर का रोमांच लिया और साथ ही बारीकी से समझा कि चांद की तेज धरती पर कैसे रेंज जो है वो कैसे पहुंचती है और अंतरिक्ष में इंसान किस तरह से कार्य करता है। साथ ही आपको बताते चलें कि विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि और अंतरिक्ष की सैर के रोमांच को बारीकी से जाना। संस्था निर्देशक देवी सिंह राठौर ने बताया कि इस तरीके से कार्यक्रम और डेमो प्रेजेंटेशन से विद्यार्थियों के अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ती है। वहीं प्रधानाचार्य मनीष मुलेवा ने बताया कि इस कार्यक्रम में कक्षा 6 से 12वीं के करीब 640 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि इस तरीके के कार्यक्रम से विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होती है। झालावाड़ जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने दिनदहाड़े शहर के मंगलपुरा स्थित एक मोबाइल शोरूम के मालिक पर बुधवार को पिस्टल से फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने एक बाल अपचारी को घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल सहित निरुत्कर थाना क्षेत्र की 3 अलग अलग जगहों पर दबिश देकर अवैध हथकंडेशी शराब की तस्करी करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि 16 अक्टूबर को शहर के मंगलापुरा स्थित एक मोबाइल शोरूम में लेन देन को लेकर आपसी कहासुनी के बाद दिन दहाड़े दुकानदार के ऊपर पिस्टल से फायरिंग करने का मामला थाना कोतवाली में दर्ज हुआ था। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम गठित की गई। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सफलता भी हासिल की है। खबर अलवर से है, जहां पर राजगढ़ पुलिस ने थाना क्षेत्र के फिरोजपुर स्थित मनसा माता मंदिर में चोरी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि 3 अगस्त को फिरोजपुर स्थित मनसा मंदिर में पुजारी रामजीलाल भगत ने मामला दर्ज करवाया था और 2 अगस्त की रात्रि में अज्ञात लोगों ने दान पात्र को तोड़कर रकम चुरा ली और उसका मोबाइल भी ले गए, जिस पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। मामले में तकनीकी सहायता से आरोपियों को चिन्हित किया गया, जिसमें बांदीकुई क्षेत्र निवासी राकेश पुत्र गिराज बाबरिया को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से चोरी किया हुआ मोबाइल और नकदी को बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि चोरी की वारदात में 5 लोगों का शामिल होना स्वीकार किया गया, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। अज्ञात व्यक्तियों ने दान पात्र तोड़कर
रकम चुरा ली और उसका मोबाइल ले गए, पुजारी का मोबाइल ले गए। इस पर मुकदमा दर्ज कर और तफ्तीश शुरू की गई और काफी पूछताछ और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर मुलजिमान को चिन्हित किया गया, जिनमें से एक मुलजिम जो बावरिया जाति का है राकेश विनोद गिरिराज, उसको गिरफ्तार किया गया है। इससे इस चोरी की घटना में जो मोबाइल चुराया गया है वो मोबाइल व रकम नकदी बरामद की गई है। इस रिमांड पर लेकर इससे तफ्तीश की गई है व अन्य मुलजिमान के बारे में भी अनुसंधान जारी है। कितने लोग शामिल हैं इससे अभी तक के अनुसंधान से? इसने 5 मुलजिम शामिल होना बताया, उन मुलजिमों की भी अभी तक तलाश जारी है, तलाश करके और उनसे भी अनुसंधान किया जाएगा। अनुसंधान से जैसी स्थिति आगे आएगी उसी हिसाब से। उदयपुर जिले में आपको बताते चले कि बावलबाड़ा थाना क्षेत्र के कातरवास गांव में 13 अक्टूबर को देरी से लौटने के मामूली झगड़े के बाद में पेट्रोल डालकर पिता की हत्या करने के मामले में थाना पुलिस ने आरोपी दोनों नाबालिग बेटे को निरुद्ध कर पत्नी जीजा देवी को गिरफ्तार कर लिया है। और एसपी योगेश गोयल ने बताया कि 13 अक्टूबर को कातरवास गांव निवासी ईश्वरलाल उर्फ सुनील मीणा ने अस्पताल में पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि उसकी पत्नी जीजा देवी और बच्चा हॉस्पिटल गए थे और अस्पताल से देरी से आने के कारण उसने कारण पूछा तो वो झगड़ा करने लगे। इसके बाद में बेटे ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस घटना में उसकी पत्नी भी शामिल थी। इलाज के दौरान 16 अक्टूबर को ईश्वरलाल उर्फ सुनील मीणा की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने बयान के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में महिला जीजा देवी ने अपने नाबालिग बेटों के साथ मिलकर पति को जलाकर हत्या करना स्वीकार किया है। मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई है, जिसमें उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उनका इलाज करने के साथ में पोषण युक्त आहार की जानकारी प्रदान की गई है। साथ ही राज्य स्तर के निर्देशानुसार अब प्रत्येक महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सक और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह फौजदार ने बताया कि जिले के चिकित्सक संस्थानों पर मनाए गए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत विशेषज्ञ चिकित्सकों की ओर से मां वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी कराने के लिए मां वाउचर दिए जाएंगे और दिए गए हैं और साथ ही अन्य जांच और उपचार भी किए गए हैं। प्रदेश में अवैध कनेक्शन के विरुद्ध संचालित अभियान के दौरान 16 अक्टूबर 2024 तक 18,523 अवैध जल कनेक्शन चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से 16,548 हटाए गए और 980 नियमित किए गए। अभियान के तहत में अवैध कनेक्शन लेने वालों के विरुद्ध 17,11,000 रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई है। वहीं अवैध कनेक्शन लेने वालों के विरुद्ध 12 FIR भी दर्ज करवाई गई है। सर्वाधिक 2,365 अवैध कनेक्शन जयपुर शहर में हटाए गए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक और भू जल के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने बताया कि डींग में 1,854, जोधपुर में 1,003, डीडवाना कुचामन में 988 और गंगापुर सिटी में 880 अवैध कनेक्शन हटाए गए। इसके अलावा अवैध कनेक्शन लेने वालों के विरुद्ध नीम का थाना में 6 और जैसलमेर में 4, संचौर में 1 और अजमेर में 1 सहित 12 जनों के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई गई है। सादुलपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 68वीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष और मशहूर खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया ने किया है। देवेंद्र झाझड़िया, जो कि खुद पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं, उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया, उन्हें खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि खेलों में भाग लेना शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है और इसी के माध्यम से व्यक्ति अनुशासन, मेहनत और समर्पण के महत्व को समझता है। इसी कार्यक्रम में CBEO बबलेश शर्मा, विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेंद्र पुनिया, बीजेपी नेता महावीर पुनिया और वेद प्रकाश पुनिया विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इन गणमान्य व्यक्तियों ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और उन्हें भविष्य में और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया है। फिलहाल में इतना ही, नमस्कार।